हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज इकबाल और लाइव मौजूद हैं आपके साथ ऑन K21 न्यूज़। एक नए दिन, कुछ नई डिफरेंट सी रेसिपीज़ के साथ। लॉकडाउन जारी है जी, जुम्मा हफ्ता तकरीबन कम्प्लीटली बंद और बाकी दिनों में 6 बजे के बाद सख्ती हो जाती है। रेस्टोरेंट्स होटल्स बंद हैं काफ़ी, तो आउटिंग ज़्यादा कर नहीं पाते। बहुत से लोग फरमाइश कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स वाले खाने किस तरह घर की किचन में तैयार कर सकें, तो वो हम यहाँ बिल्कुल शेयर करें आपके साथ। तो आज भी कुछ मज़े की रेसिपीज़ हैं, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला रहेगा जारी। कॉल के ज़रिए आप शो का हिस्सा बनेंगे तो बिल्कुल खुश आमदीद कहेंगे, जो जो जहाँ जहाँ कहीं मौजूद है। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, दिलकश रेसिपी बनेगी और इसके साथ ही जायके की दुनिया में अलग ही फ्लेवर, मुनफरिद जायका आपको बिल्कुल नज़र आएगा जब आप इसे खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और उससे पहले कहेंगे आओ फाका मस्ती में झूम लें, रंग जमा दे तू भी रंग जमा दे। और रंग भर रहा हूँ खाक हयात में, आज भी फिकर कायनात में। और रंगों की अहमियत फैशन में जितनी होती है शायद उससे ज़्यादा कुकिंग में अहमियत होती है, कि जब आप डिशों की प्रेजेंटेशन करते हैं, जब आप चीज़ें ऐड करते हैं, तो हर सब्ज़ी का, हर फ्रूट्स का, हर चीज़ का अपना ही रंग दिखाई देता है। तो चलते हैं अब रेसिपी की जानिब। स्टीम फ्राइड चिकन की रेसिपी आज शेयर कर रहे हैं, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और रेस्टोरेंट वाले खाने का एक स्टाइल है, वो उसी टाइप का है लेकिन ज़रा डिफरेंट चीज़ है, अलग है, अलग है, ठीक है जी। ताई बोर्ड से नायाब रेसिपी है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ नाइफ का तेज होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो सीने का पीस मौजूद है मुर्ग का और लेग भी मौजूद है, तो इसे हम पहले काट लेते हैं। काटना, पीसेस तो नहीं करना, लेकिन जो चीज़ करनी है वो ये कट लगाना है अंदर तक। दो, ये तीसरा कट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हम टिक्के के लिए करते हैं, लेकिन चिकन खुल चुका है एक तरह से अंदर तक, ठीक है। एक कट यहां इस तरह लगाया, ये देख रहे हैं आप जी, इस तरह मुर्ग ये सीने का पीस खुल चुका है स्टीम चिकन के लिए। तो एक और दो लोगों के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ हैं या कपल हैं या जो भी हैं, दो लोगों के लिए परफेक्ट सर्विंग है। तो एक तो मैं हो गया, दूसरा पार्टनर मैं देख लेता हूँ। लेग पीस इस तरह कट लगाना है, ठीक है। अच्छा, पहले इसे फ्राई करना है। ऑयल यहाँ इस फ्राइंग पैन के अंदर रखा मौजूद है, गरम हो रहा है, गरम होने दीजिए। उसके बाद इस मुर्ग को हमने फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करने के बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है, लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हैं या जो करना है या जो ज़रूरी है वो ज़रा आप देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ नमक मिला रहे हैं हसबे जायका, सिर्फ नमक ऐड किया है, सिर्फ नमक। फ्राइंग पैन में जो ऑयल रखा है इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए, अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके बाद इसे फ्राई करेंगे और सिलसिला बिल्कुल जारी है जी, ठीक है जी। तो ये अभी ऑयल ठंडा है, ठीक है जी, ज़रा इसे गर्म कर लेते हैं। उसके बाद ऑयल के अंदर से फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है, उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे, स्टीम करना है सब कुछ।
आपके घर के किचन में आपके इसी प्रोसेस में इंशाल्लाह होगा, तैयार होगा, सिलसिला जारी है जी। तो ज़रूर बताइए, और जो लोग सवाल का जवाब देते हैं तो कॉल करके शो का हिस्सा बनते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, सजेशन, राय, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। ठीक है जी, मैं चाह रहा हूँ ज़रा अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए, और कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, ना इसमें हमने कोई मसाला ऐड किया, ना अदरक लहसुन ऐड किया, ना इसके अंदर हमने कोई दही मिलाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक हसबे जायका। ठीक है जी, बाद में इसके अंदर हमने बाकी दीगर चीज़ें सभी ऐड करनी है। ठीक है जी, फ्राइंग के लिए हम शामिल कर रहे हैं, ये लेग पीस ऐड कर चुके हैं, उसके बाद सीने का पीस भी बिल्कुल कुछ ही देर में ऐड करते हैं। सवाल 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 हमारा इतना सा है, ये मिर्च जो होती है, हर मुल्क की अलग मिर्च होती है, हर मिर्च का अलग जायका होता है। सवाल ये कि किस मुल्क की मिर्चें ज़्यादा तेज़ होती हैं। एक ऐसी मिर्च है जो इंसान की जान भी ले सकती है, और मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से है। वो मिर्च एक ऐसी मिर्च है जिसका वो इंसान की खाने से इंसान की जान भी जा सकती है। उस तेज़ मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से, आप जवाब दीजिएगा। और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शायद कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सदाब। मिर्चे पसंद हैं आपको? जी मिर्चे मुझे बहुत पसंद है हमेशा से। सदाब वो कौन सी मिर्च है दुनिया के, सवाल एक मिर्च ऐसी है दुनिया में, पहले आपको बता दूं, वो इतनी तेज है वो खाने से इंसान की जान जा सकती है। तो उस मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से, ये सवाल। नहीं मुझे मुझे इसका आइडिया नहीं, मुझे नहीं पता। क्या मिर्च आपको पसंद है, मिर्चें या लेस स्पाइसी फूड? नहीं मुझे पसंद है, स्पाइसी फूड मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, लेकिन लग... बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब बैलेंस हो। बैलेंस हो, ठीक है ठीक है। मिर्चें हों भी लेकिन इतने ज़्यादा तेज ना हो, फील होनी चाहिए। अगर खानों में हरी मिर्चें पड़ी हुई होती है ना, तो वो हम अलग से लेके इसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो अच्छी लगती हैं। हाँ, एक हमारी दोस्त थे, हम निहारी खाने गए, तो उन्होंने इस तरह की 15 मिर्चें मंगवाई, 15। और जी जी, अच्छी लगती है निहारी के साथ, तो मेरी तो फेवरेट है निहारी के साथ, अगर मिर्चें ना हो तो मजा नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो और ये जो भी आप बना रहे हैं स्टीम रोस्ट, ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है, और ये मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ दो अफराद खा सकते हैं, प्रॉब्लम ये मसला ये कि दो अफराद, तो जाहिर सी बात है वो तो हमेशा बनाते आप हैं, और माशाल्लाह एंजॉय भी आप ही लोग करते हैं। आपने वो सिस्टम अभी शुरू ही नहीं किया कि आप जो देखने वाले हैं, जो आपको रोजाना आपको कॉल करते हैं, उनको भी कभी आप खिला दें। कहते हैं ये नसीब की बात होती है, जो नसीब में होता है तो वो आपको कहीं से मिल जाता है, हमारे बुलाने से मिल जाता है। वो तो मिल जाता है, नसीब नसीब की बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, नो डाउट। हाँ, तो हमारे नसीब में तो इसलिए रोजाना खा लेते हैं। चले हमारे भी नसीब में होगा तो कभी आपके हाथ से लिखा तो खा लेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी तो ख्वाहिश ऐसा होगा इंशाल्लाह। ठीक है बहुत शुक्रिया। अच्छा ये लेग पीस और चेस्ट पीस भी ऑयल के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपको फील होगा छींटे उड़ रहे हैं, हल्का सा ऑयल भी बाहर निकला। वजह ये होती है कि ये मीट के अंदर जब पानी होता है तो ऑयल के अंदर जाने से ऐसा होता है। तो कोशिश कीजिए कि कोशिश ये कीजिए कि गोश्त के अंदर पानी ना हो, जैसे ड्राई कर लीजिए, खुश कर लीजिए। ठीक है जी, ड्राई कर लीजिए, इसे खुश कर लीजिए। ये लेग पीस और ये चेस्ट पीस दोनों हो रहे हैं तैयार। हम टिक्के मंगवाते हैं, बाकी खाने मंगवाते हैं, लोग पहले चेस्ट पीस ज़्यादा खाते हैं मेरे ख्याल से, उनको लगता है इसके अंदर गोश्त ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ बुफे होता है, बुफे में फिक्स प्राइस होते हैं, उसमें 70-80-90 डिशें, वहाँ लोग लेग पीस ज़्यादा खाते हैं। जहाँ अलाकार्ट हो, अब ऑर्डर करते हैं कि
एक टिक्के का पैसे देते हैं, वहाँ लोग चेस्ट पीस मंगवाते हैं क्योंकि उनको लगता है ज़्यादा गोश्त है, और जहाँ बुफे होता है कि फिक्स प्राइस में जितना चाहें खा लें, वहाँ लोग लेग पीस ज़्यादा खाते हैं। तो इस लेग को हम टर्न ओवर कर रहे हैं और कलर देखिए कितना उम्दा आता जा रहा है जी। चेस्ट को भी कर रहे हैं कवर टर्न। ये चीज ख्याल रखिएगा, ये लाजमी है, ठीक है। मसाले बाकी चीजें चल जाता है, लेकिन ऑयल बहुत ज्यादा अगर बाहर निकला, चूल्हे पे पहुंचा, तो ये खतरनाक आग लग सकती है, ठीक है ना। तो ये ख्याल रखें, एक तो कंट्रोल में होना चाहिए, ऑयल इतना ज़्यादा ना हो कि छलके, गोश्त को ड्राई कर लें, ये बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं। और जितने भी कॉलर ने जवाब दीजिए, वो कौन सी मिर्च है दुनिया की जो सबसे एक ऐसी मिर्च है जो इंसान की जान ले सकती है, ठीक है, इंसान की डेथ हो सकती है, उस मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कोई शो चल रहा है लाइव शो के 21 पे, लाइव मौजूद हैं और लाइव आपको सब सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेना है। हेना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। मैं देख रही थी, बहुत अच्छा शो शुरू किया आप लोगों ने। हाँ, बस आप लोगों के लिए शुरू किया है। और जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे खाने पक रहे हैं। वैसे तो हम लोग नेट पर ऐसी चीज देखते हैं, लेकिन ये लाइव शो की बहुत जबरदस्त ये मुझे नजर आ रही है कि आप कुछ बहुत मजेदार सा कुछ रोस्ट बना रहे हैं। जी जी, शुक्रिया। बस 6-7 रहे हमारे साथ तो अच्छा है ना। मिर्चें आपको पसंद है खाने में या कम मिर्चें? नहीं, मुझे तो स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खाती हूँ, मुझे मज़े की लगती हैं। क्या बात है। अच्छा है ना, वो एक आपको बताऊँ कि एक मिर्च ऐसी है, सवाल सुना, जो इंसान की जान ले सकती है, उस मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से? मुल्क का ताल्लुक किस, तुक्का लगा लें, हो सकता है आपका थाईलैंड का हो सकता है या इंडिया का। वैसे मैंने सुना है कि थाई की जो मिर्चें होती हैं वो काफी तेज होती हैं, तो मुझे पता नहीं है सही, तो मैंने क्वेश्चन तो देखा नहीं, लेकिन मैंने वैसे ही कॉल मिलाई थी, मुझे आपका शो अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो मुल्क का नाम आप बताएंगी, कौन सा एक एक बताइएगा आप? थाईलैंड की मिर्चें काफी तेज होती हैं, मैंने ये सुना है, लेकिन मुझे इसका आंसर सही एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, ठीक है ना। थैंक यू, खुदा हाफिज। ठीक है जी, हो रहा फ्राई और इसे कलर लाना अच्छे से, ठीक है, उसके बाद इसे मैरिनेट करेंगे, स्टीम करेंगे, लेकिन इसे अच्छे से कलर लाना है। मुख्तसर से वक्फे के जाने, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू रखेंगे सफर जारी, सफर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वक्फे के बाद मिलते हैं। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर शो। और पलट रहे हैं जी स्टीम फ्राइड चिकन। सवाल इतना सा है कि दुनिया में ऐसी कौन सी मिर्च है, कैसी मिर्च है आपको बताएं, जो खाने से इंसान की जान जा सकती है, और इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ है, या उसकी मिर्ची इतनी ज़्यादा फील होती हैं कि इंसान की जान जा सकती है, उस मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से है, ये बताइए। इतना सा सवाल है, ज़्यादा कॉल्स नहीं ना ले पाएंगे, शायद टाइम नहीं है, दो कॉल्स तो जवाब दीजिएगा। बाकी कॉलर्स ने जवाब दिए, हिना ने, सदफ ने, आप भी अपना जवाब दे सकते हैं।
तो यहाँ दोस्तों हमारा ये रेसिपी का सिलसिला जारी है, फ्राई हो रहा है। जब तक ये स्टीम फ्राइड चिकन के लिए जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक इसका हम मजे का मसाला बना लेते हैं। लोग ही कहते हैं कि उनको लगता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, चाइना, थाई, जापान या वेस्ट में पता नहीं कौन सा गोश्त खाते होंगे। मैंने बहुत काम किया है बाहर भी, मुल्क से बाहर भी, और ये इन कुजीन में भी ज़्यादातर मीट यही यूज़ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुनियादी अहम जो फ़र्क है वो मसालों का हमारे, ठीक है, तो इसकी बहुत अहमियत है। मसाला अगर अच्छा बनता है यही सबसे ज़्यादा अहम होता है, वरना मेथड तकरीबन यही होते हैं, फ्राई भी होता है, ग्रिल भी, बेक भी करना या स्टीम करना, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, अहम चीज़ ये होती है मेरे ख्याल से। तो मसाला मिला रहे हैं, मैरिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ हमने दही शामिल किया। दो सौ ग्राम दही शामिल किया। दही के साथ ऐड करते हैं इमली का पल्प, चार चम्मच, कर रहे हैं मिक्स। और ज्वाइन कर चुके हैं कॉल पे, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं बानू बात कर रही हूँ। कौन? बानू जी। जी आपने कल भी कॉल की थी। जी जी। कैसी मैडम आप? आज क्या पका रहे हैं आप जी? आज स्टीम फ्राइड चिकन। अच्छा, माशाल्लाह अच्छी लग रही है जी। अच्छी पक रही है। हाँ अच्छी बन रही है, सही कह रही है आप, खुशबू भी आ रही। अच्छा बानू जी, टीवी का वॉल्यूम तो कम कीजिए, आपके सुनने की आवाज़। टीवी का टीवी का वॉल्यूम कम करें, टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुने, फोन पे हमारी आवाज़ सुने। क्या बात। और हाँ बस बस, और आपकी कॉल आई तो शो हमारा और अच्छा हो चुका है। कोई फरमाइश है आपकी? हाँ सर, वो आपने कोई सवाल किया है। हाँ आप किस, बानू जी एक ऐसी मिर्च है जो इंसान की जान ले सकती है, उस मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से है? कौन सी? एक ऐसी मिर्च है जो खाने से इंसान की जान जा सकती है, ठीक है, तो उस मिर्च का ताल्लुक किस मुल्क से है? मुझे समझ नहीं आया। आपको मिर्चें पसंद है? जी? मिर्चें पसंद है आपको? जी हाँ, मिर्चें पसंद है, बहुत हल्की लाइट में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे दही और इमली को सिर्फ फेंट रहे हैं जी, बहुत अच्छे से फेंट रहे हैं, बीट इट वेल। ठीक है जी, तो यहाँ प्रोसेस बिल्कुल जारी है जी। पहले दही और इमली को हमने फेंट लिया है, उसके बाद इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। और आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से कि हम कितने खुश हो रहे हैं जी। अच्छा जी, आप स्पाइसेस ऐड करते हैं, मिर्चें आप बताइए कितनी कम या ज़्यादा। तो जी आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और गरम मसाला पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक हसबे जायका, जरा सा धनिया पाउडर, हल्का सा पिंच ऑफ येलो फूड कलर, हल्का सा, हल्की सी पिसी भी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं चटपटा है, एकदम चटपटा है, और इमली का और टच ऐड कर रहे हैं जी, ताकि मिर्चें भी और खटास भी और मज़े का मीट हो, तो क्या ही बात है जी। और यहाँ देख लेते हैं, अगर ये फ्राई हो चुका है तो उसको अब
बाकी प्रोसेस को आगे ले जाएं, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है राइस भी बनाने। और ये आप देख रहे हैं जी, पलट रहे हैं, और ये फ्राइड चिकन इसी मसाले के अंदर ऐड करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। और अब आप इसका चूल्हा कम किया, ठीक है। अब ये जो मसाला है इसके अंदर तक जाना चाहिए, लाजमी है कि लाल मिर्च और गर्म मसाला और ये इमली दही ये सब का जायका रचे। तो कुछ देर आप रख सकते हैं, लेकिन शायद अभी हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते। ये मसाला इसके अंदर तक जाना चाहिए, हर पीस के अंदर जाना चाहिए, तभी इसका वो फ्लेवर आ पाएगा। हाथ से भी इसे ठंडा करके मिक्स कर लें तो कोई वो नहीं। ठीक है जी, अच्छे से इस पे मसाला हर जगह हर बाइट में, चाहे आप लेग से खाएं या विंग्स आप खा रहे हो या चेस्ट पीस आप खाएं, तो हर जगह इमली की खटास भी फील हो और गरम मसाला लाल मिर्चें सब कुछ पता लगना चाहिए। मेथड देख लिया किस तरह बनाना है, उसके बाद शादियों के लिए बहुत अच्छा मेन्यू है, आप जितनी क्वांटिटी में चाहें आप बना सकते हैं, 50 किलो 100 किलो जो भी आपका। अब यहाँ हम स्टीम करने जा रहे हैं जी। स्टीम के लिए एक पॉट के अंदर सिंपली आसान तरीका है, और इसमें मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और कोई शायद शिकायत भी नहीं कर सकता कि हम किस तरह अपने घर के किचन में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ अल्टरनेट हमने एक तरीका अपनाया है, अगर आप यहाँ देख पाएँ, इसके सरफेस पे पानी बिछाया, पानी ऐड किया ताकि ये जले ना। उसके बाद ये डीप प्लेट हमारे पास मौजूद है, वो रखा। उसके बाद ये ले आते हैं आप सबकी इजाज़त से, ये पहले चेस्ट पीस, उसके बाद ये लेग। और बस कोशिश करनी है कि ज़ाया ना हो मसाला, बस ऊपर इसके। ठीक है दोस्तों, इसे बिल्कुल अच्छे से इसे कवर करना है। ठीक है जी, स्टीम कम से कम 15-20 मिनट तक रखें, फर्क है, बहुत फर्क है। कुछ चीज़ों में पहले हम स्टीम करते हैं, फिर जिस तरह लाहौरी चरखे में क्या करते हैं, पहले हम स्टीम करते हैं फिर फ्राई करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलग तरीका है। कि पहले फ्राई था, क्रिस्पी था, स्टीम से अब जूसी हो जाएगा। मैं उन लोगों में सुन जो जिनको जूसी गोश्त पसंद है, जूसी बनेगा। ठीक है जी, और डॉक्टर बदर साहब भी कह चुके हैं कि ज़्यादा जायकेदार खाना लगता है जो जूसी भी हो, तो ठीक है जी, अपनी अपनी राय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं आपके? जी रुखसाना जी, आप बताइए, जब आपकी आवाज़ सुन के हमारे हाल चाल कैसे हो जाते हैं? माशाल्लाह जबरदस्त, आपको बहुत ऐसे ऐसे सवाल लेके आ रहे हैं कि कमाल है। हम देखिए, लोग कह रहे हैं कि गोलियों से पता नहीं क्या एटम बम, एक मिर्च भी ऐसी जिससे जान जा सकती है इंसान की, है ना? जी, मैं उस सवाल के जवाब दे दूं, कैरोलिना मिर्च जो कि बहुत तेज होती है, किस मुल्क की है? कैरोलिना। अच्छा, ठीक। जरा अच्छा, इसकी स्पेल बताइएगा ताकि हमारे डायरेक्टर साहब नोट कर लें, लिख लें, और ताकि आखिर में जवाब। मिर्च का क्या नाम बता रही है, फिर से बोलिए। कैरोलिना। उसकी स्पेल क्या है डायरेक्टर साहब, लिख लीजिएगा प्लीज जी। क्या है? बता रही हूँ जी, बताइए।
CAROLINA। एक रुकिए रुकिए, CAROLINA कैरोलिना। CAROLINA कैरोलिना। और किस मुल्क से ताल्लुक इस मिर्च का? ये नहीं पता। चलें ठीक है ठीक है, जवाब तो आपका आ चुका है जी। ठीक है और कुछ कहना है? वैसे शायद अमेरिका से है जी। शायद अमेरिका से है। मतलब मिर्चों से भी अमेरिका वाले मारते हैं? मतलब अमेरिका से इसका ताल्लुक है इस मिर्च का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, प्याज के हिस्सा काट रहे हैं और ये देखें, एक अमेरिकन फिलासफर हैं ब्रायन ट्रेसी साहब, वो कहते हैं कि जैसे ख्यालात वैसी जिंदगी, जिंदगी में वही कशफ होता है जो आप सोचते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक मुख्तसर सा वक्फे और वक्फे में स्ट्रीम हो रहा था, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं, देखते रहिए चैप 20। वेलकम बैक टू अवर शो, खुश आमदीद कहते हैं। स्टीम फ्राइड चिकन फ्राई किया, उसके बाद स्टीम हो रहा है और प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं। वक्त नहीं हमारे पास, एक रेसिपी बना रहे हैं जी, मटर राइस, जिसके लिए मटर जो थे हमारे पास, जिसे ग्रीन पीस कहा जाता है, इसे हम फ्राई कर रहे हैं जी। देखें आप, फ्राई किया कभी आपने मटर? फ्राई करें ठीक है जी। और ये स्टीम जो कुछ देर और रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम है नहीं, तो इसे लिहाजा इसे निकालते हैं प्रेजेंटेशन की जाने। फिर इसमें हमने चावल भी बनाने, तो वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा जी। लास्ट 6-7 मिनट बाकी हैं, तो कवर हटाते हैं जी। बिस्मिल्लाह हटा लें जी, बिस्मिल्लाह। चूल्हा करते हैं बंद और जब भी टिक्की है इसकी प्रेजेंटेशन करें, इसका सही तरीका आपको बताऊं, चेस्ट पीस नीचे आना चाहिए, ये बिल्कुल देखें गल चुका है हलवा। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, अगर उसको बाकी निकालूंगा तो इसका वो खराब हो जाएगा। और इसमें जो है आपकी मसाला ही हमने खुद ने ऐड किया था, बचाया था ताकि हम यूज कर सकें। और ये लेग पीस ठीक है जी, बिल्कुल गल चुका है। अगर मैं हल्का सा इसको यहाँ से खींचूं तो ये भी निकल जाएगा, देखें बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, एक एक पीस देखो, बिल्कुल बिल्कुल हलवा हो चुका है। और ये जो मसाला है ये काफ़ी अहम है, इसे आप सॉस में भी ऐड कर सकते हैं और ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी, यहाँ ले आते हैं। बहुत एहतियात के साथ ये जो पॉट था इसी में हमने चावल बनाने, देखें मसाला रखा है। ठीक है, लास्ट 3 मिनट बाकी। अच्छा करना ही है, ये पॉट बहुत ज्यादा गर्म है, एहतियात से सब चीजें करनी है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये चावल मटर वाले जो बना रहे हैं, इसके लिए ऑयल ऐड कर रहा हूं 4 चम्मच। और ये मटर भी आप भले फ्राई होने दीजिए, मटर भी ऐड कर लेंगे, और कुछ मटर इसके अंदर आ भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। ठीक है जी,
ऑयल और ऑयल के अंदर ये प्याज अड़की, ठीक है जी, और से जरा सा मिक्स करना है, बल्कि जरा सा नहीं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना जी। प्याज सोते कर रहे हैं, बाकी चीजों को रिमूव करते हैं, अदरक लहसुन पिसावा ऐड कर रहे हैं एक चम्मच, और इसे अच्छे से पकने दीजिए। इसी के अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, नमक और सफेद मिर्च, ठीक है, इसके अंदर ही ऐड कर लिया जी। आप इसे ज्यादा देर भी कर सकते हैं, बल्कि करना है, हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम चावल इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं जी। सब्ज धनिया ग्रीन कोरिएंडर इसे चॉप किया, और ये भी इसी के अंदर ऐड किया चॉप करने के बाद। और जो हमारे पास ये मटर जो फ्राई करके रखे हैं वो इसी के अंदर ऐड करते हैं जी। मटर को फ्राई करके ही ऐड करना है, और इसे मिक्स कीजिए अच्छे से। स्पाइसेस कम ज्यादा या जैसे आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं जी। कुछ देर दम पे रखिएगा, अगर हमें वक्त है तो रख लेते हैं, या फिर इस वक्त निकालते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जरा चलें, ज्यादा देर ना सही, एक मिनट तक तो उसे रख लेते हैं, ताकि दम से होता ही ये चावल बहुत अच्छा हो जाता है, खुल जाता है, बाकी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं। गार्निश देखिए जरा इसकी, तो उसमें आपने आखिर में चाट मसाला ऊपर सेट करना है टिक्के के ऊपर, ये जो स्टीम फ्राइड चिकन के ऊपर, और इसके साथ कुछ लेमन रखे, सलाद पत्ता रखा, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, ज्यादा गार्निश की जरूरत नहीं। ठीक है जी, जो मेरे ख्याल से जो अहम चीज वो दिखनी चाहिए जो आपकी मेन रेसिपी हो, ठीक है जी। तो वक्त हमारे पास कम है, और राइस को ये जो वही जो एक मेडिटेरियन खानों में आपने देखा उसी टाइप की प्रेजेंटेशन, जरा डिफरेंट से कर रहे हैं, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, जो लाजमी है जी, इसके ऊपर जो चावल की प्रेजेंटेशन करेंगे। आपने देखा होगा श्रीलंका में तमिलनाडु बिरादरी के घरों में खाना केले के पत्ते से पेश किया जाता है, तो दुनिया की मुख्तलिफ रवायतें हैं, और पाकिस्तान में भी हर जगह अलग अलग टच नजर आता है। तो टिक्का आगे, टिक्का तो नहीं है, खैर स्टीम फ्राइड चिकन और ये चावल पीछे आ चुके हैं, बाकी चीजों को करते हैं रिमूव जस्ट टू मेक इट मोर कलरफुल। कुछ टमाटर को इस तरह काटने के बाद यहाँ चावल के ऊपर रख रहे हैं, और बाकी देख रहे हैं आज खाना मजे का है, हमारा हो चुका है तैयार। इस वक्त आपसे ले रहे हैं इजाजत, वो मसाला जिसके अंदर मिलाने के बाद स्टीम पे रखा था वो रखिएगा, वो चावल के अंदर ऐड कर लें, और इसके साथ उठाइए सैलड बनाएं। ले रहे हैं इजाजत, सवाल पूछो तो दुनिया की कौन सी मिर्च है जो इंसान की जान ले सकती है, जवाब तो दिए लेकिन दुरुस्त जवाब दिया रुखसाना जैदी जी ने, और इस मिर्च का नाम है कैरोलिना, ये वो मिर्च है जो खाने से इंसान की जान जा सकती है।
तो एहतियात करें, जैसे हमारी मिर्च से ठीक है, और ये जो हम खाते हैं इसमें विटामिन सी होता है जो अच्छा है हाजमे के लिए। खुश रहें, जादोआबाद में अच्छा खाना खाएं और अपनी लाइफ को बेस्ट गुजारने की कोशिश करें। शो देखते रहिए, फेसबुक पर ज्वाइन करें और शेफ 24 मुझे इकबाल शाह के नाम से ज्वाइन करें, 6 से 7 ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये सब महफिल आपके लिए जी। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।